महंगाई का विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, महंगाई का विरोध ऐसा है कि लोगों को और उनके कमाई का साधन को बढ़ाने का उपाय होना चाहिए, महंगाई का विरोध नहीं होना चाहिए। दो सालों में हम लोग को तो महंगाई नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है बताएंगे? क्या आपको सस्ते में तेल पेटिया है? दाम पहले तो जनसंख्या करे, कंट्रोल करे, जनसंख्या कंट्रोल करिए तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। सर आप तेल मत देखिए सर, बहुत कुछ देखिए ना। वही हम चाह रहे हैं पूरा दिखाइए, जो आप देख रहे हैं हम नहीं देख पा रहे हैं, आम आदमी नहीं महसूस कर पा। अच्छा, आज के डेट में सर वैक्सीनेशन सरकार फ्री में दे रही है, और जगह जो प्राइवेट सेक्टर में कोवैक्सीन का कहीं 1000 रुपया है, कोविशील्ड का कहीं 700 रुपया है, और सरकार हमारा मुफ्त दे रही है, फ्री में दे रही है, आखिर फ्री में कैसे दे रही है? नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण, और आज हम ये देख लीजिए पीजीपी का यहाँ का स्थानीय जिला अध्यक्ष का कार्यालय है। और कल देश भर में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर, आपने देखा था, खासकर जो युवा कांग्रेस है उन्होंने प्रदर्शन किया था, और जो है उन्होंने लड्डू का वितरण भी किया था, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हुए, हालांकि देश के कई हिस्सों में 105 से ऊपर चले गए, अभी भी झारखंड में शतक से 3 रुपये कम है पेट्रोल, और डीजल भी 1 रुपये कम है। तो हम बीजेपी के ऑफिस में आए, हालांकि जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तो नहीं है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या महंगाई उन्हें भी महसूस हो रही है या सब कुछ ठीक चल रहा है। हम उनसे भी ये पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि ऑफिस खाली है, जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार तिवारी। अच्छा, ये बताइए, कल कांग्रेस ने पूरे देश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था, पेट्रोल डीजल और ये दाम बढ़ने, आप लोगों को महंगाई लगती है या नहीं लगती है? हम लोग को तो महंगाई नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है बताएंगे? क्या आपको सस्ते में तेल पेट्रोल ये सब मिल जाता है? सस्ता में तेल और पेट्रोल तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक ना, आदरणीय श्री मोदी जी, वो 1 रुपया में चावल दे रहे हैं और आवास दिए फ्री में, वो जनता को नहीं दिखाई देता है? इतना माने रोड बन गया, नाली बन रहा है, गली बन रहा है, लाइटें बिछ रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पार्क बन रहा है, ये सब पब्लिक को नहीं दिखता है? कांग्रेस पार्टी को कुछ काम नहीं रह गया है, अब यही सब। सही बताइए, और आप क्या करते हैं? हम मानगो मंडल युवा मोर्चा का महामंत्री। काम मतलब रोजगार कुछ करते हैं, धंधा? हाँ, नौकरी? हाँ, नौकरी करते हैं। तो आप भी तो 200 रुपये मान लीजिए कि जब तेल हुआ था खरीद रहे होंगे सब्जी? हाँ, 200 रुपये? नहीं, 200 रुपये तेल तो हम भरा रहे हैं। हाँ, कहाँ 200 रुपये तेल है? खाने का तेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो 100 रुपये पहुँचने वाला है। ये चावल जो 1 रुपया मेरे, उस पर आप बात नहीं आपको कर मिलता है चावल? हाँ, एकदम मिलता है। 1 रुपये चावल? हाँ, पूरे गरीब को मिलता है। अरे आपको तो नहीं, हमको नहीं मिलता है? फिर फंस जाए, वही बात है ना, आपको नहीं मिलता? नहीं नहीं, गरीब आदमी को मिल रहा है ना, हम लोग तो देख रहे हैं, जिसको राशन कार्ड बना हुआ है उसको तो 1 रुपये चावल मिल रहा है, 1 रुपये चीनी मिल रहा है, उसको तो मिल रहा है ना। वो तो कांग्रेस पार्टी नहीं ना बोल रहा है कि हाँ, उसका राज में तो नहीं कभी मिलता था, मतलब इसलिए 1 रुपया उनको मिल रहा था, बाकी जब महंगाई जो है सस्ती लगी। महंगाई नहीं है भैया, कहाँ महंगाई है? कहीं नहीं, ये तो खाली कांग्रेस पार्टी हल्ला कर रहा है कि महंगाई है महंगाई है। उनको विपक्ष में बैठ कर कोई काम नहीं है, यही सब वो करते रहे। आपका घर ठीक ठाक चल रहा है? मेरा सब, पूरे मेरे झारखंड का देश राज्य जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, झारखंड में किसी को आपत्ति नहीं दिया। लेकिन आम आदमी से पूछेंगे, अभी आपके बगल में ये लोग बोलेगा कि महंगाई से परेशान है। अंकल, आप ही का है ठेला? इधर आइए, इधर आइए, कोई महंगाई से परेशान? इधर आइए। क्या आपकी इतनी कमाई हो जा रही कि घर उर चल रहा है, महंगाई है या नहीं है, या सस्ता आप भी खरीद रहे हैं सब? नहीं, राशन हम लोग का राशन कार्ड बना है, राशन मिलता है। बाकी महंगाई आपको लगता है कहीं है? बाकी महंगाई अरे उनको देख कर मत बोलिए, आप ये बताइए, वो आपको कुछ नहीं बोलने वाले हैं। महंगाई तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, महंगाई नहीं है, थोड़ा तेल वोल का दाम बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है ना। और कोई बात ठीक है, हालांकि अंकल है, हम इनसे, भाई साहब क्या नाम है आपका? अच्छा, लगा लीजिए मास्क, लगा लीजिए आप पहले, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुशील पांडे हुआ। पांडे जी, ये बताइए, आप बीजेपी मानगो भाजपा मानगो मंडल अध्यक्ष हैं? आपसे पूछना है कि कल देश भर में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर लड्डू यहाँ पर खासकर आपके शहर में बांटा गया कि दाम इतना बढ़ गए, आप लोगों को क्या लगता है कि दाम ज़्यादा बढ़ गया है? दाम पहले तो जनसंख्या करे, कंट्रोल करे, जनसंख्या कंट्रोल करिए तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। आज हर एक घर में देखिए जनसंख्या, महंगाई लोग बोलते क्या महंगाई, पहले लोग 5,000 कमाते थे, अभी लोग 15,000 कमा रहे हैं,
आप कोई भी शोरूम में जाइए, पहले की अपेक्षा डेली 10 गाड़ी 15 गाड़ी शोरूम से निकल रही है। महंगाई अगर रहती तो कोई गाड़ी नहीं खरीदता क्या? हर आदमी तो नहीं खरीद पा रहा ना। हर आज नौकरी आज के वाला है वो तो नहीं खरीद पा रहा। मेरे को एक छोटा सा बात बताइए ना, आज के डेट में जो कर्मचारी है जो नीचे स्तर से जो झाड़ू मारते हैं उनके पास भी स्मार्टफोन है। अगर महंगाई रहती तो स्मार्टफोन कहाँ से यूज करते हो? हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, हमको तो महंगाई लग रही इसलिए कि भाई अभी देखिए 2019 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय जब हम पेट्रोल अपने कार में भरा रहते थे 700 रुपये मेरा 10 लीटर भर जाता था, दो दिन काम चल जाता था। आज या तो हम कार चलाते नहीं हैं इसलिए, और आज 10 लीटर के लिए कल हमने भरवाया था बड़ा मुश्किल से, तो हमें 1000 रुपया लगे थे। 1000 में 10 लीटर कुछ पॉइंट आया सर आपको, इसलिए हमको लगता है कि 2 सालों में हमारा जो है 700 से 1000 रुपया की जो है नुकसान हो रहा है। सर आप तेल मत देखिए सर, बहुत कुछ देखिए ना। वही हम चाह रहे हैं कि वो फायदे थोड़ा दिखाइए जो आप देख रहे हैं हम नहीं देख पा रहे, चाहे आम आदमी नहीं महसूस कर पा रहा। अच्छा, आज के डेट में सर वैक्सीनेशन सरकार फ्री में दे रही है, और जगह जो प्राइवेट सेक्टर में कोवैक्सीन का कहीं 1000 रुपया है, कोशील्ड का कहीं 700 रुपया है, और सरकार हमारा मुफ्त दे रही है, फ्री में दे रही है। आखिर फ्री में कैसे दे रही है सर? जो वर्कर काम कर रहे हैं वो तो तनख्वाह ले रहे हैं अपना, वो तो फ्री में काम नहीं करेंगे ना। कि आपका सरकार है बीजेपी का तो हम फ्री में काम कर दे रहे हैं, वो तो अपना मजदूरी मतलब एक तरफ वैक्सीन फ्री दे रही है तो दूसरी तरफ वो बढ़ा रही है, तो मतलब मेकअप हो जा रहा है। नहीं, मेकअप नहीं हो रही है सर, आम जनता को असुविधा ना हो सरकार कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर रही है कि आम जनता भी ये रहे। और महंगाई अगर कांग्रेस लड्डू बांट रहे जो भी बांट रहे उन्हें सोचना चाहिए कि जो जनसंख्या विरोध हो रहा उसको सपोर्ट करें। जब जनसंख्या विरोध रुक जाएगा, जनसंख्या वृद्धि सबके एक हम हमारे दो है, तो अपने आप महंगाई भी कम हो जाएगी। और जो अभी आप जो बोल रहे कि 1000 में हम 10 लीटर लेते थे, नहीं 1000 में हाँ अभी ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं ना, पहले आपका फुल टंकी हो जाती थी। जब आबादी कम हो जाएगी ना सर तो फिर आपके 1000 में टंकी फुल हो जाएगी, ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा चीज, आपका कहना है। आप भी बोलेंगे क्या महंगाई है? महंगाई तो काफ़ी है। क्या करते हैं? मैं तो डॉक्टरी काम करता हूँ। डॉक्टरी का? डॉक्टरी का क्या चीज़ का? डॉक्टरी नर्स का, नर्सों का। अच्छा, काम करते हैं नर्स किसी मतलब? नहीं, आपका जैसे कि नर्वस सिस्टम जो प्रॉब्लम हो जाता है उसका काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर बिमल कुमार हुआ। कहीं से डिग्री के लिए हैं? मैं डिप्लोमा किए हुए हैं। क्या चीज़ में? आपका सीमेसीडी किए हुए हैं, पैथोलॉजिकल किए हुए हैं, और न्यूरोथेरेपी वगैरह किए हुए हैं। नौकरी करते हैं या नहीं? हम प्रोफेशनल काम करते हैं, एनजीओ प्रोग्राम बनाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आपको महंगाई लग रहा है? महंगाई बहुत काफ़ी अधिक है, गरीब आदमी के लिए बहुत असंतुलन है, क्योंकि एक साइड से तो आपको कोरोना वायरस चलते आपका रुकावट आ गया, जिससे कि काफ़ी जो बेरोजगारी और बढ़िया गया, क्योंकि सबके पास तो कमाने वाला है खाने वाला है, अधिकांशता के पास ऐसा नहीं कि नौकरी परमानेंट ही हो। जैसे हम लोग प्रोफेशनल आदमी हैं तो प्रोफेशनल आदमी तो कुछ ना कुछ इनकम हो जाता है, लेकिन जो जिसका आपका इनकम हो जा रहा है कि आपका घर चल जा रहा है? इतना चल रहा है नहीं कि बराबर चल रहा है पूरा, क्योंकि फैमिली का बर्डन अधिक रहता है। नाम बता दीजिए। अमर सिंह नाम हुआ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मीडिया प्रभारी महानगर के हैं, मतलब बीजेपी से संबंधित है। तो ये बताइए, कल पूरे देश भर में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, और यहाँ पर भी जमशेदपुर में भी लड्डू वितरण हुआ, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, खाने पीने के तेलों को, आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ी है कि नहीं? देखिए, वर्तमान में हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहली बात तो विपक्ष के लड्डू वितरण पे, कि कोई भी सरकार हो, और ये भारत में एक रिवाज बन गया है कि किसी भी पक्ष के सत्ताधारी दल के अच्छे कार्यों का सम्मान नहीं किया जाता है, परंतु अगर कोई बात हो रही है तो विपक्ष को उसमें उंगली करना है, और विपक्ष का विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष का विरोध ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के हित में है और जनता उस चीज़ को जाने समझे, आप उसका विरोध कीजिए। ठीक है, अभी जो महंगाई की बात हो रही है बार बार, ठीक है, तो महंगाई की बात का हम लोग आज जो आंकड़ा दिए जा रहे हैं वो आंकड़ा बहुत साल पहले का, और वर्तमान में अगर आप देखेंगे कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले के जो थे उस हिसाब से अभी बहुत सारा बदलाव हुआ है हमारा देश भारत। महंगाई का विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, महंगाई का विरोध ऐसा है कि लोगों को और उनके कमाई का साधन को बढ़ाने का उपाय होना चाहिए, महंगाई का विरोध नहीं होना चाहिए। दो सालों में अगर हम सरकार के आंकड़ा माने तो लॉकडाउन में 23 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास थे वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए,
तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं बल्कि कोरोना और लॉकडाउन से घट गया। देखिए ये है आंकड़ों की बाजीगरी का खेल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे चल गए 23 करोड़ लोग, हम उसमें आप चली गई किसी के हाँ, पास रोजगार चला गया है, ठीक है, अब उनके पास ठीक है, नहीं है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब सरकार की बात आती है तो लोग ये बताते हैं कि नौकरी चली गई और लोग उससे नीचे गरीबी रेखा से नीचे चले गए, परंतु आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, परंतु आप उनके घर में जाइए तो उनके घर में फ्रिज है, उनके घर में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल एक के पास नहीं है, घर के करीब करीब सभी लोगों के पास है, जो काम करने वाले आज मजदूर सभी भी रखा है, वो भी रखा है, मतलब सभी उसे खाने पीने का भी मोबाइल रखने से क्या हो जाता है कि वो संपन्न है नहीं। ये गरीबी रेखा का तो एक ये परफॉर्मा तय होता है ना कि आपकी कमाई अगर इतना है, वो जैसे BPL बोलते हैं कि बिलो पॉवर्टी लेवल, ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लेवल कैसे आती है अगर आप सब चीज़ें संपन्न है तो नहीं है। ठीक है, आप तो तमाम ठीक है, बहुत ही अच्छा से आप जो है बचाव कर रहे हैं। सीधे सीधे बताइए, तेल खाने पीने का चीज़ महंगा हुआ है, आपको महंगा लगता है या नहीं लगता है? देखिए महंगाई तो अगर सरकार अगर कुछ अच्छा काम कर रही है, कोई लगता सी है कि नहीं लगता है, कोई सी भी सरकार देंगे जो आपके भाई लोगों को फ्री में वैक्सीन मिल रहा है, जो है हम लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, इसलिए महंगाई जो है हमको महंगाई अभी आपके कुछ जो है कार्यकर्ता बता रहे थे नहीं, आप देखिए वो देखिए वो महंगाई नहीं है, वो तो सरकार एक सब्सिडी दे के खरीद रही है, वो जो लोगों को अनाज जो दिया जा रहा है वो सरकार सब्सिडी दे के खरीद रही है, गैस भी जो है आज सरकार जो आपको सब्सिडी में दे रही थी और अभी जितना हुआ है 20 रुपये 25 रुपये अभी अभी जो सब्सिडी कम की गई है 900 रुपये सिलेंडर में 20-25 रुपये अभी सब्सिडी खत्म ही हो जाए। हाँ अभी जो सब्सिडी खत्म की गई है ये वर्तमान समय को देखते हुए वैसा किया गया है, फिर जब हमारी सरकारें आएगी और वैसे अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर हमारी सरकार सब्सिडी देगी, परंतु पेट्रोल डीजल तो आज भी बहुत जो अगर हम तुलना करें तो बहुत कम दामों में है, अगर 2014 की तुलना करें ठीक है उसके हिसाब से, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को महंगा मिला। और ये रिपोर्ट भी आपने पढ़ा होगा कि जितना सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स और बाकी टैक्स से नहीं कमाया उतना सिर्फ पेट्रोल डीजल से सरकार को आमदनी हुई। मैं आपको यही जरूर जानकारी होगा, मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूं कि जब अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं 2014 से कि 2014 में डीजल इतनी सस्ती थी और अभी इतना महंगा हो गया तो फिर हमें इस बात पे ज़रूर जाना होगा कि उस समय भारत देश कितने कर्ज में था और भारत देश में उस समय रोजी रोजगार की कितनी दिक्कत थी, परंतु आज देखिए सरकार के द्वारा IT हब से लेकर सब कुछ में काम किया जा रहा है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, आने वाले समय में रोजगार होंगे। ये है सीधा सा, अगर आपको महंगाई लग रही है ठीक है तो आप इन तर्कों को जिन्होंने ने BJP के जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं, तो अगर आपको महंगाई लग रही है तो आप इन तर्कों को जो है खुद पर आजमाइए, आपको भी जो महंगाई कहीं ना कहीं सस्ती लगने लगेगी अगर इनके बात पर अगर गौर करेंगे इनके आंकड़ों को। हालांकि हमें तो लग रही है, आपको लग रही है नहीं वो आपके ऊपर है, आप खुश हो सकते हैं इन तर्कों से। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।